तो मैग्नेटिक फील्ड में एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसी को आज थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। आप मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसमें से एक फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो, वैसे तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड बी में, अगर आप एक चार्ज क्यू को फेंकते हो वी वेलोसिटी से, और इस तरह से कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा बनता है, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आता है एफ इजिकल टू क्यू वैक्टर वी क्रॉस बी, एफ इजिकल टू क्यू वैक्टर वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला था, याद आ रहा होगा आपको। लेकिन अगर यही वायर में आ जाए, यानी यही चार्ज वायर में फ्लो करे, तो वायर में करंट आ जाएगा। और करंट जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो, यानी कि कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो, तो वो भी फोर्स महसूस करेगा। इसके लिए भी आपको फॉर्मूला पता है कि किसी वायर में अगर करंट आई है और उसको आपने एक मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है, और करंट के डायरेक्शन को आप लेंथ का डायरेक्शन भी मानते हो, अगर इस वायर के एक छोटे टुकड़े की बात की जाए जिसकी लेंथ अगर डीएल है, तो आप डीएल को एक वेक्टर मानते हो और डीएल का डायरेक्शन वही बोलते हो जो कि करंट का डायरेक्शन है। तो इस केस में यह वायर कितना फोर्स महसूस करेगा, ये भी आप फॉर्मूला जानते हो, एफ इजिकल टू आई वेक्टर में डीएल क्रॉस बी, यानी कि आप बोल सकते हो आई डीएल बी साइन थीटा ए क्रॉस बी, या आप बोल सकते हो एफ इजिकल टू आई, अगर पूरा लेंथ कंसिडर करते हो तो आई एल क्रॉस बी, ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अब इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कोई भी शेप का वायर क्यों ना हो, इस तरह का भी शेप क्यों ना हो, और करंट किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना जाए, ये ए हो गया मान लो इस डायरेक्शन में, ए टू बी ऐसे हम लिख दे रहे, करंट ऐसे जा रहा है, या इस पॉइंट का नाम ए टू बी क्यों लिखते हैं हम लोग, करंट मान लो आपका यहाँ ए से बी ये लिख दे रहे, ए से निकला और बी तक गया, ये शेप है वायर का, इस तरह से पटा शेप है, करंट इसमें आई है। तो आपको अगर वायर का ओरिजिनल लेंथ ना भी पता हो, तो ये जो फॉर्मूला है एफ फिजिकल, और मैग्नेटिक फील्ड मान लो क्रॉस है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो एफ इजिकल टू आई, इस बार जो एल क्रॉस बी होगा ना, यहाँ पे एल असल में आप अगर पॉलीगोन लॉ को यूज करेंगे तो एल का मतलब क्या हुआ, लेंथ वेक्टर है, ए से बी तक अगर सारे लेंथ को आप जोड़ते जाओगे, ऐसे सारे लेंथ को जोड़ते जाओगे, तो ये वही होगा जो पॉलीगोन लॉ क्या कहता है कि अगर दो या दो से अधिक वेक्टर सेम ऑर्डर में हो, तो उस वेक्टर को जोड़ने वाला जो फाइनल वेक्टर होगा अपोजिट ऑर्डर में, वो उन सबके सम के बराबर होगा। तो ए से बी जो हम इस तरह से गए हैं, ए से बी यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, सीधा सीधी अगर हम जाए डायरेक्टली, जिसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हैं, तो ए से बी का डायरेक्ट वो भी लेंथ आप यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि हम चाहें तो पूरा ए टू बी का, चाहे क्या, बिल्कुल ये काम करना ही है आपको, कि हमें ए से बी का एक्चुअल लेंथ लेने का कोई जरूरत नहीं है, आप बस ए से बी का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है डायरेक्ट वो यूज करेंगे। अगर ये लेंथ आपका एल है, तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा आई एल बी साइन 90 डिग्री, ऑब्वियस ही बात है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये सेमी सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल तो दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा ना, चलो इसी तरह से सेमी सर्कल है और करंट जा रहा है इस तरह से आई, और ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है बी डॉट, तो आपसे अगर बोला जाए कि भाई इसका क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा एफ इजिकल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी। तो यहाँ एल, अगर इसका रेडियस आपको पता है कि इसका रेडियस स्मॉल आर है या कैपिटल आर है, तो इसका इस पॉइंट से मान लो ए से लेके बी तक का टोटल लेंथ जो होगा डायरेक्ट लेंथ, वो कितना होगा आर प्लस आर, कितना आर, टू आर, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे आई इंटू टू आर इंटू बी इंटू साइन, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस ही बात है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा सेंटर से आपको, ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड तो आपको गिवन है। तो ये आपको याद रखना है कि कभी भी शेप कोई भी हो उसे कोई मतलब नहीं है। तब तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लो एक सर्कुलर वायर है, ठीक है, और इसमें तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोई है ही नहीं, सब एक ही आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा जाए तो अगर सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में अगर हैं और एक साथ कनेक्ट हो गया है, तो उसका नेट वैल्यू तो जीरो हो जाता है पॉलीगोन लॉ। तो उस हिसाब से अगर आपसे पूछे कि अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ ये वायर क्लोज लूप, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो सीधा जवाब कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि लेंथ तो होता है इनिशियल टू फाइनल, इसका इनिशियल भी यही फाइनल भी यही, जहाँ शुरू किए वापस वहीं आ गया, है ना। तो अगर आपको क्लोज लूप जिसमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, क्लोज लूप को आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो उस क्लोज वायर में नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, जीरो। तो ये सब आप सबको जानते हैं, लेकिन एक रिकैप हुआ, तो इसी को प्रूफ करने जा रहे हैं कि हाँ भाई वायर का शेप पे डिपेंड नहीं करता है। प्रूफ करने का दो तरीका है, एक तो आप समझ गए पॉलीगोन लॉ से प्रूफ कर सकते हैं। अगर मान लो आपको एग्जाम में स्पेशली दे दिया, जो कि बोर्ड्स में ज्यादातर देता है,
जो कि बोर्ड्स में जाकर देता है। कॉम्पिटेटिव में तो आप ये फॉर्मल डायरेक्ट लगा दो पॉलीगॉन लॉ को यूज करके, लेकिन अगर मान लीजिए आपको सीधे बोल दिया कि नहीं भाई बताओ क्या होगा अगर एक सेमी सर्कुलर वायर है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जैसे देखिए ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है, इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, देखिए वाई एक्सिस बना दिया हमने, इधर हमने एक्स एक्सिस बना दिया, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड मान लो क्रॉस। अब ये क्रॉस हमने किनारे लिखा है, मतलब पूरे में है, पूरे इलाके में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब इस वायर में करंट जा रहा है आई, तो हम क्या करते हैं, एक बार में पूरा वायर तो लेंगे नहीं फोर्स चेक करने के लिए, वायर का एक छोटा टुकड़ा लेंगे, और छोटा टुकड़ा हम कैसे कट करते हैं, एक कट लिए थीटा पे, तो एक कट हमने लिया डी थीटा पे, तो ये जो छोटा सा टुकड़ा निकला यही लेंथ कहलाएगा डीएल। वैसे आप जानते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, अगर इसका रेडियस आर है तो एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, यहाँ डीएल इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा, समझ में आ रहा ना, इस तरह से इस फॉर्मूला के हिसाब से, अगर ये थीटा होता ये एल होता ये आर होता, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा उस फॉर्मूला से। अब आप गौर करो, फोर्स का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, करेंट की ओर हाथ रखोगे और मैग्नेटिक फील्ड को मुट्ठी बंद करोगे, करेंट की ओर हाथ मैग्नेटिक फील्ड को मुट्ठी बंद, तो करंट की ओर हाथ रखोगे और फील्ड की ओर मुट्ठी बंद करोगे, तो फोर्स का डायरेक्शन फॉर्मूला में आई डी एल क्रॉस बी है, तो फोर्स का डायरेक्शन लेंथ के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी, मेरा अंगूठा डाउन इस तरह से जा रहा है, यानी कि मुझे वायर के परपेंडिकुलर बनाना है, चूंकि ये सेमी सर्कल का शेप है तो परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से पास करेगा, तो गौर करो इसका फोर्स ऐसे जाएगा, फोर्स का नाम हमने रखा डी एफ है ना, और फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है भाई फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला होता है आई डी एल क्रॉस बी, यहाँ एंगल 90 डिग्री है, तो अगर आपसे पूछे कि डी एफ का वैल्यू कितना होगा, तो आई डी एल बी साइन 90, यानी डी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू डी एल इंटू बी, और डी एल का वैल्यू हमें पता है, खैर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, डी एफ का दो कंपोनेंट टूटेगा, इधर क्या टूटेगा बताइए, डी एफ ऑफ व्हाट, कॉस थीटा, जिधर थीटा होता है उधर कॉस टूटता है, और ठीक परपेंडिकुलर क्या टूटेगा, डी एफ ऑफ साइन थीटा। सिमेट्री वाले डायग्राम में जब हाफ साइड में आपने एक क्रॉस सेक्शन लिया है तो बाकी हाफ साइड में भी वैसा ही आपको एक सेक्शन लेंगे, अगर आप मान लो सेम सेक्शन, थीटा एंगल पे कट, डी थीटा पे एक छोटा टुकड़ा कट होगा, उसमें भी करंट जैसे जा रहा है वैसे हाथ ऐसे करंट घुमाओगे तो अंगूठा इस तरह से जाएगा, हमेशा वो सेंटर से पास करेगा, तो ये फोर्स भी आपका डी एफ होगा। सेम तरीके से इसका भी दो कंपोनेंट टूटेगा, इधर क्या टूटेगा, डी एफ ऑफ कॉस थीटा, इधर क्या टूटेगा, डी एफ ऑफ साइन थीटा, और आप गौर करो कॉस वाला से कॉस वाला कट गया, कहने का मतलब सारे के सारे कॉस वाले कंपोनेंट कट जाएंगे, अगर हम शुरू से लेकर हर जगह कट लगाते जाएं और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जाएं तो एंगल जीरो से लेकर पाई तक बनेगा, कहने का मतलब ऐसा कुछ, यानी कि आपका टोटल फोर्स निकालने के लिए जितना भी डी एफ साइन थीटा है, तो नीचे में देखो सारा डी एफ साइन थीटा बच रहा है, कॉस तो कट जा रहा है, देखो आप ये देखो डी एफ साइन थीटा कॉस तो कट जा रहा है, तो दो टुकड़ा का दो साइन थीटा, चार लेते चार साइन थीटा, दस लेते दस, तो हम पूरा का पूरा सर्कल सेमी सर्कल में लेंगे तो जीरो से लेकर 180 तक लेंगे, तो वही काम करने जा रहे हैं हम, देखो आप ये यहाँ पे हम करें एफ इज इक्वल टू जितना भी डी एफ कौन सा थीटा साइन थीटा लिमिट फ्रॉम वेयर टू वेयर जीरो से पाई, आपको डी एफ का वैल्यू देखो यहाँ हमने लिख रखा है, ये देखो डी एफ का वैल्यू ये दिख रहा है आपको, ये है डी एफ का वैल्यू, आई डी एल क्रॉस बी का वैल्यू आई डी एल बी साइन 91 हो चुका है, तो ये हम यहाँ लिख देंगे, देखो यहाँ पे आई डी एल बी साइन थीटा, देखिए आई डी एल बी साइन थीटा, ये साइन थीटा अलग है, वो साइन 90 अलग था, वो आई एल क्रॉस बी के लिए था, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल था, यहाँ पे हमने थीटा लिया क्रॉस सेक्शन जो हमने सेक्शन कट किया उसका, अच्छा आई तो ठीक है, डी एल का वैल्यू था आर इंटू डी थीटा इंटू बी ऑफ साइन थीटा, जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा, आप देखो आई बाहर आर बाहर बी बाहर, इंटीग्रेशन में सिर्फ बचा साइन थीटा डी थीटा जीरो से लेकर पाई तक, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन इज कॉस थीटा, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, आई आर बी माइनस कॉस थीटा जीरो से लेकर पाई तक, माइनस को प्लस बनाने के लिए पहले लोअर लिमिट देन अपर लिमिट, नियम है पहले अपर फिर लोअर, लेकिन मैथ्स वाले तो जानते हैं बायो वाले ध्यान रखेंगे, आई आर बी पहले लोअर लिमिट पुट करें कि माइनस में है तो माइनस को सीधे प्लस कर देंगे हम लोग, कॉस जीरो माइनस कॉस पाई, कॉस जीरो वन होता है, कॉस पाई माइनस वन होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कॉस जीरो का वन और वन ऐड होकर टू आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आई आर बी इंटू में टू, यानी गौर करो ये वही आया ना आई इंटू टू आर इंटू बी, तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ आई इंटू टू आर इंटू बी का मतलब ये हुआ कि आपका जो ये सेमी सर्कल था इसके शेप से क्या मतलब है, आप ए से करंट गया था बी तक, तो इसके बीच का लेंथ ये टोटल दोनों साइड का डायमीटर मिला के 2R हो गया, तो आई एल क्रॉस बी, तुम बताए थे ना लेंथ से कोई मतलब नहीं शेप कैसा भी रहे, अगर मान लो ये शेप ऐसा भी होता
इस तरह से करंट इसमें जाता, हाँ मैग्नेटिक फील्ड डॉट या क्रॉस होता, बी या क्रॉस है, तो याद रखिएगा यहाँ से यहाँ का लेंथ अगर मान लो 2R है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिखोगे आई एल बी में एल की जगह 2R यूज करेंगे इनिशियल से फाइनल। तो ये जो प्रूफ हमने करवाया है बोर्ड्स में पूछता है ज्यादातर, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आपको जरूरत पड़ेगा नहीं, बोर्ड्स में कभी कभी बोलता है शो दैट, आप ऐसा प्रूफ अगर दिखाइए, तो आप एक स्पेशल केस ये लेके प्रूफ कर लीजिएगा तो भी आसान है। कभी कभी स्पेशली पूछ दिया कि सेमी सर्कल के को अगर हमने रखा है, करंट कैरिंग वायर है सेमी सर्कुलर शेप में, इसको हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड में तो कितना फोर्स महसूस करेगा, तो भी आप यही बनाओगे आई टू आर बी, ये वाला जो रिजल्ट आया है। या तो आपको बोलता है शो दैट, यानी कि प्रूफ कीजिए कि भाई शेप पे डिपेंड नहीं करता है, तब आप कैसे करोगे, तब सिंपल तरीका जो पहले बोल चुके हैं कि भाई कोई भी शेप क्यों ना हो उसको हम छोटे छोटे वेक्टर में तोड़ सकते हैं, करंट जैसे जा रहा है और चूंकि सब सेम ऑर्डर में है, और पॉलीगॉन लॉ कहता है कि अगर दो या दो से अधिक वेक्टर सेम ऑर्डर में हो तो उन सबका जो रिजल्टेंट होगा डायरेक्ट